बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट ज़ैनी। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आज फिर से एक मज़ेदार सी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि आज फिर थोड़ा सा जो है ना हम जाने लगे हैं भाई। यहाँ रोड पे भी आए हैं तो रिक्शे वाले एक भाई मिल गए थे जो कि हमारे गाँव के मोहल्ले के, वो कहते हैं मैं ले जाता हूँ। तो यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी ठंडी छाँव है, बैठने की जगह बनी हुई है, तो इधर हम बैठे हैं अभी, वो आ जाते हैं फिर जाते हैं। काम थोड़ा सा ये बाजार, ये दुपट्टे हैं सिस्टर ने ना जो कलर वगैरह करवाना है कपड़ों को, तो वो करवाने जाना है। तो साथ अम्मी जी का था तो अम्मी कह रहे थे कि आप भी साथ चली जाओ करवा लाओ, तो लैस वगैरह लेनी है। तो अम्मी जी के रहते थे इससे पहले वो दुपट्टे वगैरह को कलर करवाना, वो लैसेस वगैरह लगाना, तो अम्मी जी की नहीं थी क्योंकि राशि भरा था। अम्मी जी गए थे चांद रात वाले दिन, तो फिर अम्मी कहते नहीं ईद के बाद करवा लूँगी, ये वाले कपड़े पहनने नहीं थे इसलिए। हो रहा भी कपड़े दे रहे हैं हम कलर होने के लिए। अच्छा इन्होंने लैसा लगवानी है। यहाँ से अभी जो है ना शॉर्टकट लेके मेन रोड से तो अगले बाजार जो है ना जाएंगे, जहाँ से लैसेस वगैरह जो पीको करवानी है ना, वो एक तो ध्यान आ रहा उधर तो डिग्गा लगी है तो। स्लिप भी ना लग जाए। लैस जो है ना अभी निकलवाने लगे हैं और दसी के पलुआ वाली और साइडा तो जी और पलुआ वाली और साडा तो भाई हो पता नहीं मेरे पैर मोटे ने ना। वो वाली कर ले फिर कर लांगे चेंज ना पूरी हो इते अम्मी जी का जूता लेना यहाँ से घर पहनने के लिए, तो वो पसंद कर रहे हैं अभी। ये वाला जूता जो है ना घर पहनने के लिए अम्मी जी के लिए पसंद की है। अम्मी जी कह रहे थे थोड़ा ऊंचा ऊंचा हो, इतना ज्यादा भी ना, तो थोड़ा नरम भी हो। 450 नीचे वाले कर ले। शीट लेनी है यहाँ पे ना टेबल पे जो रखते हैं, खराब हो गई हुई थी ईद के दिनों में लेनी थी लेकिन याद नहीं था रहता, जब भी बाजार आते थे तो आज अचानक से यहाँ पे आके याद आया। ये कलर से ये भी हो रहा। ये सबसे ऊपर वाला नहीं सही ये वाला डिजाइन मैंने पसंद किया सिस्टर ने। किन्ने दसे आजे 380 300 रुपया ठीक है। नो मनू ने तो बस नहीं लगा मैंने कमाई नहीं।
खानी है। मैं रमजान में जितनी दफा बाजार आई हूँ, मेरा दिल करता था कि मैंने जो है ना रो पीनी है। तो आज फिर मैं दिल कर रहा था, मैं घर से इरादा करके आई थी मैंने रो पी के आना है, लेकिन रो जो है ना इस बाजार में कहीं भी नजर नहीं आ रही। तो रास्ते में मिला था एक, वो वहाँ उतर नहीं थे सकते, हम लोकल आए हैं। तो सिस्टर कह रही थी अभी जो है ना पीछे होना, एक मिनट आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा चलो खा लो। ये कितने वाली है? 30 वाली करवाई है। लाओ जी, मुझे तो रो नहीं तो यही सही। जहाँ से फ्रूट चाट उस दिन हम खा के गए थे ना, ये बाहर उनका बना हुआ है सेटअप। तो हाँ जी, हाँ जी, तो लड़कियां तो वैसे अंदर ही बैठती हैं यहाँ पे। तो अगर मतलब गए ना हम रास्ते में उतर सके तो मैं रो पीऊंगी, लेकिन फ्रूट चाट का मेरा दिल कर रहा है। आइसक्रीम तो सिस्टर के कहने पे ले ली है। तो वैसे घर जो है चने लोबिया वगैरह भी गो के रखा है, वो अम्मी जी कह रहे थे कि बच्चों को जो है ना वो चाट बना के दो, तो खुद जो है यहाँ से थोड़े से खा पी जाते हैं यहाँ बैठ के। चाट हमारी आ गई है, मैंने फ्रूट चाट करवाई है, सिस्टर ने क्रीम चाट करवाई है। तो उस दिन नाश्ता वगैरह नहीं था किया, काम शाम करके थक गए हुए थे यहाँ पे। यहाँ आके बाजार में दो तीन चक्कर लगाए, इतना काम थोड़ा सा ही था, वो हमारा हो गया। बस केक रह गया, वो दुपट्टे लेने जाते हुए जो कपड़े दिए थे ना कलर करवाने के लिए। तो अभी जो है बगैर टाइम इसके लिए फटाफट से खा लिया। यहाँ पे जहाँ पे हम शॉपिंग करने आते हैं ना, पिछली दफा हम खा कर गए थे, मुझे कमेंट आ रहे थे कि शॉप का नाम भी बताया करो, मतलब जो भी जहाँ भी जाकर चीज़ का टेस्ट करते हो। ये साथ ही हमारे गांव में ना विराज के स्टॉप है, वहाँ पे है फ्रूट चाट। काफ़ी ज़्यादा और भी दुकानें हैं, लेकिन ये जो है ना हमें तो शुरू से बहुत पसंद है, मज़ा आता है हमें खाने का। तो बाकी अपने अपने टेस्ट का होता है। तो शॉप का नाम है, उस दिन तो मुझे नहीं था पता, अभी मैंने पूछा, तो सतरा फ्रूट चाट है दुकान का नाम। दुकान वालों का बच्चा ऐसे भी पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपकी दुकान का? सतरा क्या मतलब? ओए ठहरो, मैं इलाज करती हूँ मैं आके। सतरा क्या किसी का नाम है? ये गऊ का नाम है जहाँ पहले आप लोग रहते थे। सही है, ये जो है ना ये भाई के बेटे हमारे गऊ में ये रहते हैं। ठीक है, खा लो, खा नहीं देते। ओए इधर शरारती। अम्मी जी का जूता भी हो गया, तो दुपट्टों को लैस वगैरह भी लगानी थी, और कलर भी जो है ना यहाँ पे हो गया है, पूछा तो है। सही ना जगह ना आ लोकी अंदरा च वार के सुते ने, कही दोपहर टाइम फिरने पे। टाइम हुआ अभी 3 बजे का, मैंने प्रेशर में आलू रखे हैं उबलने के लिए, क्योंकि अम्मी जी ने मुझे जो है सुबह का बोला हुआ था बनानी है जी चाट, चना चाट, चना और लोबिया। अम्मी जी जो है इधर दिन भी कह रहे थे कि ये वाली बनाओ, लेकिन मैं कहती कि नहीं, रमजान में जो है 2-3 दफा बनाई है, तो अभी हम फ्रूट चाट ही बनाएंगे। तो आज फिर अम्मी जी का दिल कर रहा था, तो ये सुबह के जो है ना भिगो के रखे हुए हैं लोबिया और चने। तो मुझे कह रहे थे तकरीबन ना 11-12 बजे कह रहे थे बना लो, तो मैं कह रही थी अम्मी अभी सुबह का काम खत्म किए हैं, तो थोड़ी देर ना लेट लूँ, मतलब सो लूँ, फिर जो ना उठ के बनाऊंगी। तो अभी जो है तकरीबन 3:15 मतलब 3 से ऊपर टाइम हो गया हुआ, फिर मेरी आंख खुली है। अम्मी जी तो पता नहीं कहाँ गए हैं, घर नहीं है, तो मैं फटाफट से उठ के जो है ना लग गई बनाने कि ये ना हो बेइज्जती हो जाए आज फिर। तो अभी तो फिलहाल जो है ना प्रेशर रखा है आलू डाल के उबलने के लिए। अहमद पता नहीं क्या लेके आया दुकान से, क्या लेके आया हुई है? मिट्टी। मिट्टी इस तरह की होती है? हैं? कितने की लेके आए हो? बोती। क्या बोती?
कितने पैसों की? एक पैसे दी। तो क्या बना रहे हो इनका? आपने तो नेल पॉलिश बना के लगाई है इधर है? किसने बनाई है नेल पॉलिश? लड़कियों वाले काम करते हो? खिलौने भी बनाओ इसके आप है? बनाओ ना, बनाने आते हैं? क्यों नहीं बनाने आते, बनाओ। ये मेरी भांजी कह रही मेरी भी दिखाओ, इसने पिंक कलर की लगाई है, प्यारी है माशाल्लाह नेल पॉलिश। चलो अभी खिलौने बना के खेलो इनके। और अरमान जो है ना यहाँ पे नाराज होकर, क्या हुआ है? किसने लिया आपका खिलौना? किसने लिया अरमान का खिलौना? उठो ना बताओ मुझे, शाबाश, उठो, उठ जो, बताओ किसने लिया है? ये आपकी, ये लो इसके साथ बना के दिखाओ ना खिलौना, बनाना आता है? ये लो भाई अहमद ने बनाया है, ये लो इधर देखो ना, ले लो, ले लो। अरमान बड़े प्यारे खिलौने बनाता है हमारे, ये देख लो, ये लो, वो देखो भाई अहमद बना के लेके, दिखाओ चेक करवाओ, दिखाओ तो सही। इतनी ज्यादा जमा हो गई मेरे पास, मिक्स ना करना, अरमान ने रोने लग जाना, अरमान की रहने दो। दिखाओ ना इधर क्या बनाया, देज की बनाई है, चेक करवा, शाबाश, खुद बनाई है। जब हम छोटे होते थे ना, हम मिट्टी के बनाया करते थे इस तरह के बर्तन, छोटे छोटे खिलौने, अब इन बच्चों के लिए ये निकल आई हुई है, ये लो। हाँ वो लेने, वो कह रहा मैंने ये वाला लेना है, अहमद नहीं देना, चल मैं आपको इसका बना के देती। ये बड़े नखरे करता है, नाराज होता है। चाटकली चीजें मैंने सारी रेडी करके तो रख दी है, आलू वगैरह, टमाटर, सब्ज मिर्चे, चने, और यहाँ पे जो है ना दही की चटनी, सब्ज पुदीना, सब्ज मिर्ची जो है ना कूट के इसमें डाली है। तो जो लोबी है ना वो अभी मैंने ऊपर रखा हुआ है, तो ये सारी चीजें रेडी हो गई हैं। तो अभी सिस्टर लोगों को कहती हूँ वो खुद मिक्स कर ले, मैं जो है ना अभी बनाने लगी हूँ हंडिया। साथ यहाँ पे इमली भी घोक रखी है, इमली वाला पानी भी बनाएंगे। और ये रही जनाब हाई मजेदार सी चाट, इसमें अम्मी जी खा रहे थे तो मैंने कहा उसी में डाल के तो खा लेते हैं। दही की चटनी ये सिस्टर ने ही बनाई है। और साथ ये है इमली वाला पानी, पुदीना कूट के थोड़ा सा शामिल किया है, और नमक। मजेदार है। इधर अहमद के काम चेक करें, अम्मी जी भिंडिया काट रहे थे तो ये पकड़ के ना फेस पे लगा रहा। किसने लगाई है? किसने? आप ही बोलते हैं, उन्हें नहीं कहते। इधर आओ ना अरमान को भी लगाओ, अरमान आप भी लगा लो। ये वाली हरकत भी यकीनन आप सबने भी और हमने भी बचपन में जरूर की हुई है, सबने तकरीबन सबने। मम्मी जी ने भिंडियां काट दी हैं, काफी बड़े बड़े साइज की काट दी हैं। और अभी टाइम हो गया जनाब रोटियां पकाने का, रात के लिए टाइम तो अभी काफी है, लेकिन हमने बनाना शुरू कर दिया, तंदूर पे बनानी है तो मोहल्ले में और भी लोग आ जाते हैं लगाने, तो इसलिए टाइम से पहली बारी जो है अपनी रखी है, तो फटाफट से हम जो है बना के तो टिफिन में रख देंगे। तो रात को जो है तकरीबन रोटियां, अब गर्मियों का मौसम है तो तंदूर पे ही लगा करेंगी, तो अम्मी जी और मैं जो है यहाँ पे लगा रहे हैं हंडिया में बना के रखा हूँ, भिंडियों के साथ जो है तंदूर की रोटी का अपना ही मजा है। आधी रोटियां जो है यहाँ पे दिखाना बिल्ली, ये छोटी छोटी जो है ना ये अम्मी जी ने पानी के साथ लगाई है, टिंग टिंग की बनी है, अभी हम जो है ये गद्दी वाली खाएंगे, पानी वाली नहीं, तो ये अभी जो है मैं बना रही हूँ। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, यकीनन आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और प्यार सा कमेंट भी कर दीजिएगा। कोई भी गलती हो गई तो माजरा दुआ में याद रखिएगा, जैन को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।